हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए कैसे बने, सीए बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन, सीए बनने के लिए आपको कौन से एग्जाम्स देने होंगे, उन एग्जाम्स के लिए आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, सीए बनने के लिए आपको कहाँ अप्लाई करना होगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सीए बनने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप सीए बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं याशी एंड वेलकम टू हाउ टू। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं सीए बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि कौन सीए बन सकता है। कोई भी 12th पास स्टूडेंट सीए कर सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, अगर आपने 12th पास किया है तो आप सीए बन सकते हैं। अगर आप अभी भी 10th में हैं, तो आई वुड सजेस्ट आप 11th में कॉमर्स ले, क्योंकि सीए बनने के लिए आपको जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है वो सेम सब्जेक्ट्स आपको कॉमर्स में मिलते हैं, तो आपके पास पहले से एक एडवांटेज होगी। दोस्तों, सीए बनने के दो रास्ते होते हैं। पहला फाउंडेशन रूट, जो कि आप 12th पास करते ही शुरू कर सकते हैं, और दूसरा डायरेक्ट एंट्री रूट, जो कि आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शुरू कर सकते हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाउंडेशन कोर्स रूट। फाउंडेशन रूट में आपको सबसे पहले देना होगा फाउंडेशन एग्जाम। साल में दो बार फाउंडेशन एग्जाम्स होते हैं, मई और नवंबर के महीने में, यानी आपके पास साल में दो बार ऑप्शन होता है फाउंडेशन एग्जाम्स देने का। फाउंडेशन में होते हैं 4 एग्जाम्स और इसके लिए आपको पढ़ना होता है 6 सब्जेक्ट्स। पहले दो पेपर आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं और आखिर के दो पेपर एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं। फाउंडेशन में आपका पहला एग्जाम होता है अकाउंटिंग का, जो कि 100 मार्क्स का होता है। दूसरा एग्जाम होता है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग का। बिजनेस लॉ का पेपर आपका 60 मार्क्स का होता है और बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि आपका इंग्लिश का पेपर होता है, वो 40 मार्क्स का होता है। तीसरा एग्जाम होता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का। ये एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, जिसमें मैथ्स आपका 40 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स आपका 40 मार्क्स और लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का होता है। आपका फाउंडेशन का चौथा और आखिरी पेपर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का, जिसमें 50 मार्क्स के इकोनॉमिक्स के और 50 मार्क्स के बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि आपके आखिर के दो पेपर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, इसलिए हर गलत जवाब पे आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। फाउंडेशन में पास होने के लिए आपको टोटल 200 मार्क्स, यानी सब सब्जेक्ट्स मिला के 200 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। साथ ही साथ आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना भी कंपलसरी होता है। फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट आपका होता है सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम, जो डायरेक्ट एंट्री रूट वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट एग्जाम दे सकते हैं। उन्हें सीए फाउंडेशन एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं। सीए इंटरमीडिएट में आपके दो ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में 100 मार्क्स के 4 पेपर्स होते हैं, यानी कि आपका सीए इंटरमीडिएट टोटल 800 मार्क्स का होता है। फर्स्ट ग्रुप में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका पहला पेपर होता है अकाउंट्स का, जो कि होता है 100 मार्क्स का। आपका दूसरा पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का, जिसमें आपके कॉर्पोरेट लॉ के 60 एंड अदर लॉ के 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। आपका तीसरा पेपर होता है कॉस्ट का, जो कि 100 मार्क्स का होता है। और आपका चौथा और आखिरी पेपर होता है टैक्स का, जिसमें इनकम टैक्स से 60 मार्क्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे ग्रुप यानी ग्रुप टू में भी 4 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है एडवांस अकाउंट्स का, जो कि 100 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर होता है ऑडिट का, जो कि 100 मार्क्स का होता है। तीसरा पेपर एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का होता है, जिसमें EIS 50 और SM 50 मार्क्स का होता है। और ग्रुप टू का आपका चौथा और आखिरी पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का होता है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 और इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का होता है।
सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम साल में दो बार होते हैं, मई और नवंबर में, और आप दोनों ग्रुप यानी अपना ग्रुप वन और ग्रुप टू साथ में भी दे सकते हैं, एक टर्म में ग्रुप वन देके ग्रुप टू नेक्स्ट टर्म में भी दे सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट में पास होने के लिए आपको दोनों ग्रुप में 50% मार्क्स यानी 200 मार्क्स हर ग्रुप में और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप शुरू कर सकते हैं अपनी आर्टिकलशिप। एक सीए आर्टिकल का मिनिमम स्टाइपेंड यानी कि उसकी मिनिमम सैलरी होती है 2000 रुपीस। सीए इंटर पास करने के बाद आप हर मंथ मिनिमम 2000 रुपीस अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। सीए आर्टिकलशिप 3 साल की होती है, पर 2.5 साल बाद ही आप दे सकते हैं अपना सीए फाइनल एग्जाम और बन सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए फाइनल के एग्जाम साल में दो बार होते हैं, मई और नवंबर में। सीए फाइनल के दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप वन की। ग्रुप वन में आपका पहला सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि होता है 100 मार्क्स का। आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि होता है 100 मार्क्स का। आपका तीसरा पेपर ऑडिटिंग का होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। आपका फोर्थ एंड आखिरी पेपर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस का होता है, जिसमें कॉर्पोरेट लॉ 70 और इकोनॉमिक लॉ 30 मार्क्स का होता है। ग्रुप टू में भी आपके 4 पेपर होते हैं। सबसे पहले आपको पेपर 5, 7 और 8 के बारे में बताते हैं और फिर बताएंगे आपको पेपर 6 के बारे में। आपका फिफ्थ पेपर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। आपका सेवेंथ पेपर डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का होता है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स लॉस 70 और इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का होता है। आपका आठवां और आखिरी पेपर 100 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स लॉस का होता है। अब बात करते हैं पेपर 6 की। पेपर 6 100 मार्क्स का एक चॉइस बेस्ड पेपर है, जिसमें आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 चॉइसेस होती है। जी हाँ, 6 चॉइसेस। रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इकोनॉमिक लॉस, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। ये आपकी 6 सब्जेक्ट चॉइसेस होती है, जिसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने पेपर 6 के लिए। सीए फाइनल में पास होने के लिए आपको हर ग्रुप में 200 मार्क्स लाना होगा, साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना होगा। दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना नेसेसरी है सीए फाइनल में पास होने के लिए। अब बात करते हैं आपको कहाँ अप्लाई करना होगा सीए बनने के लिए। तो दोस्तों, आप www.icai.org पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे सामने ICI का होम पेज, और आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब बात करते हैं सीए की सैलरी की। एक फ्रेशर सीए की एवरेज सैलरी अराउंड 6 to 8 lakhs होती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर अब भी आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।